दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब आने वाले दिनों में एक बार फिर से बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में हाल ही में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और अब अरविंद केजरीवाल को 2 जून के दिन एक बार फिर से सरेंडर करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहा किया गया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए चुनावी प्रचार में काफी व्यस्त है। इसी बीच देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने हाल ही में अपने शिष्य पर ही हमला बोल दिया। 86 साल के अन्ना हजारे ने मतदाताओं से अपील कर दी है कि वह सही उम्मीदवार चुने। उनका कहना रहा है कि देश की सत्ता की चाबी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। अन्ना हजारे कहते हैं कि आज लोकतंत्र का एक बड़ा सब है और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। इसके अलावा वह कहते हैं कि चरित्रवान एवं ईमानदार व्यक्ति के लिए मतदान करना चाहिए क्योंकि देश की चाबी मतदाताओं के हाथ में है, इसलिए इस चाबी को सही हाथों में देकर सही तरीके से चुना जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को लेकर अन्ना हजारे ने यह बात तो कही लेकिन साथ ही साथ उन्होंने स्वच्छ उम्मीदवारों को चुने, स्वच्छ छवि वाले नेताओं को चुने, न कि उन लोगों को चुने जिनका प्रवर्तन निदेशालय पीछा कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अन्ना हजारे ने यह भी कहा कि मैं दिल्ली शराब घोटाले मामले में नाम आने पर अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना करता हूं। उन्होंने ये भ्रष्टाचार इसलिए किया क्योंकि वह शराब की लत में डूबे हुए थे। ऐसे लोगों को दोबारा नहीं जाना चाहिए। अन्ना हजारे से पहले भी अरविंद केजरीवाल की आलोचना कर चुके हैं लेकिन अन्ना हजारे जिस तरह से अपील करते हुए नजर आए हैं, इसके बाद से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिल्ली में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। आज जो देश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं, चौथे चरण में मतदान हो रहे हैं। अब देखना यह होगा जब 25 मई को दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होंगे तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आखिरकार वोट बैंक पहले जैसा आता है या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।